कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिला बिलासपुर में 9 एंट्री बैरियर्स लगाए गए हैं, जिनमें पुलिस के 100 कर्मी तैनात किए गए हैं, जिसके माध्यम से बाहर से आने वाले सभी लोगों की ई पास चेकिंग की जा रही है तथा उनकी स्क्रीनिंग भी की जा रही है। वहीं यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो नाकों पर तैनात पुलिस कर्मियों के द्वारा उनकी मदद भी की जा रही है। ये जानकारी बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक देवाकर शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि एंट्री पॉइंट पर 3 रिजर्व बटालियन के 100 जवान तैनात किए गए हैं, जिनमें 2 रिजर्व बटालियन मंडी व 1 महिला बटालियन बस्सी की शामिल की गई है। पिछले दिन ही 708 लोगों ने बिलासपुर जिला में प्रवेश द्वारों से हिमाचल में एंट्री की है। इनमें 371 लोग बहल एंट्री पॉइंट और 313 गरमोड़ा से एंटर हुए हैं। इनमें कुल्लू व मंडी के लोगों की संख्या अधिक है। वहीं शनिवार को करीब 808 लोगों ने एंट्री की थी। देश में ये कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में भी कोरोना कर्फ्यू लागू है और मैं सभी जो बिलासपुर के वासी हैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कि इस कर्फ्यू के जो नियम हैं उसका पालन करें और 3 घंटे का रिलैक्सेशन टाइम दिया गया है, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो इसी दौरान आपने घर से निकलना है, अदरवाइज आपने घर से नहीं निकलना है। और जो भी कोविड के जो गाइडलाइंस हैं, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, उसका पालन करें, बेसिक जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करें। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मास्क पहनेंगे, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, सैनिटाइजर का यूज़ करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपके घर में आपके जो सीनियर सिटीजन हैं, आपके माता पिता हैं, आपके और बच्चे हैं वहाँ पे, तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं और अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं तो आप अपने परिवार को भी खतरे में डालते हैं। तो अगर आप अकेले बाहर जा रहे हैं तो आप ये ना समझें कि सिर्फ आप ही हैं वहाँ पे। अगर आप इन्फेक्ट होते हैं, आप प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करते हैं तो शाम को जब आप घर पहुंचेंगे तो आप अपने माता पिता, अपने बच्चों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे ये सभी निवेदन है, गुजारिश है कि जो भी ये जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं इसकी अनुपालना करें। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में 9 एंट्री बैरियर्स हैं, जो इंटर स्टेट बैरियर्स हैं वो 9 हैं। तो हमारे इन 9 जो बैरियर्स हैं उसमें 100 पुलिसकर्मी तैनात हैं और हम जो भी लोग हिमाचल में एंटर कर रहे हैं उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा रही है और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो आप जब भी हिमाचल में आएँ तो जो कोविड ई पास है उसके माध्यम से आएँ, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो सवार घाट में, गरामोड़ा में, बाकी विभिन्न जगह में हैं, वो आपके वहाँ पर मदद करेंगे। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो DGP साहब हैं उन्होंने हमें आदेश दिए हैं कि हम अपने पुलिस लाइन्स में जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं उसको वहाँ पे एस्टैब्लिश करें। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पुलिसकर्मी जो पॉजिटिव आ रहे हैं तो वहाँ पे हमने आइसोलेशन सेंटर को क्रिएट किया है, वहाँ पे हमने बेड्स लगा दिए हैं, वहाँ पे हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स एस्टैब्लिश किए हैं, दवाइयाँ ली हैं और हमने जो अपने 10 पुलिसकर्मी हैं उनको इसमें ट्रेन किया है। तो जैसे जैसे ये सर्ज बढ़ता जा रहा है तो DGP साहब के आदेश के बाद जो हर डिस्ट्रिक्ट और हर यूनिट ने अपना जो ये आइसोलेशन सेंटर्स है ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया है ताकि हम जो चुनौती है उसको प्रॉपर तरीके से फेस कर सकें।